हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से मेरी और एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी रूखे सूखे बालों से परेशान हो चुके हैं और इससे आप निजात पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, आप लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, रसोई की कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। दोस्तों, हमारी रसोई खजाने की पिटारे से कम नहीं है। चाहे सेहत हो या फिर स्किन हो या फिर हेयर केयर से जुड़े दिक्कतें, रसोई में ऐसी कई चीज़ें मिल जाएंगी जो हर मुश्किल को जड़ से दूर कर देंगी। वहीं बालों के लिए तो ये चीज़ें किसी चमत्कार से भी कम साबित नहीं होती है। इनमें से ऐसे कुछ फूड हैं जिन्हें हम खाने पर भी शरीर को और बालों को पोषण मिलती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ चीज़ें के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपकी बालों को घना, मजबूत और लंबा बनाने में बहुत असरदार है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसे फूड हैं जो हमारी बालों को पोषण देती है, हमारी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हेल्दी रखती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केला को बालों के लिए मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बाल को भरपूर प्रोटीन देता है जिससे बाल घने मजबूत बनते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आपको एक केला लेना है और उसको एक पेस्ट बना लेना है और इसमें आपको दो अंडे डालने हैं और इसके साथ साथ एक चम्मच शहद भी मिलाना है। और अब इस मास्क को अपनी बालों पर लगा लेना है और कम से कम 20 से 30 मिनट तक लगाए रखना है और उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। आप बालों पर इसके असर को साफ देख पाएंगे। आप याद रखिए, आपको माइल्ड शैम्पू ही यूज़ करना है। अगर आप लोग माइल्ड शैम्पू क्या है वो नहीं जानते तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसका डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी और कौन कौन से शैम्पू माइल्ड है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, ये तो था हेयर मास्क के बारे में। अब बात करते हैं हेयर ऑयल के बारे में। दोस्तों, हेयर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, बालों के लिए सबसे बेहतर है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल को हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी त्वचा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए नारियल तेल बहुत अच्छा नुस्खा साबित होता है। फ्रीजी, उलझे और रूखे सूखे बालों के लिए नारियल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी नारियल का तेल को गर्म करके बालों पर मसाज करें। हल्के गीले बालों पर इसका ज़्यादा अच्छा असर नज़र आता है। मालिश के बाद बालों में तौलिया लपेटकर कुछ देर रख दें और फिर इसको सुखा लें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप लोग ज़रूर करिए। अगर आप लोगों का बाल जो है बहुत ड्राई है, फ्रीजी है, तो ये जल्दी ही आपकी बाल पर मॉइस्चराइज प्रदान करेगा, आपकी बाल को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा, जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होता ही होता है। दोस्तों, बालों में गंदगी जमा होने के कारण वे घने नहीं दिखते, ऐसे में बेकिंग सोडा आपकी बड़ा काम आएगा। अपने शैम्पू में एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें और बालों को अच्छी तरह से धो लें। बालों में जमा मैल पूरी तरह से निकल जाएगा और स्कैल्प भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ऐसे में आपकी हेयर ग्रोथ में बाधा नहीं आएगा और आपकी हेयर को ये स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाएगा। अगर बालों में गंदगी जमी रहेगी तो हेयर फॉल होने की बहुत चांसेस रहती है। इसी को बेकिंग सोडा जो है कम कराता है, क्योंकि वो अच्छे से स्कैल्प को, बाल को साफ करता है, जिससे हेयर फॉल की खतरा नहीं रहती है। अब बात करते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो कि है ओट्स। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं तो इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। आधा कप ओट्स ले लें और उसमें दो चम्मच बादाम का तेल और आधा कप दूध मिला लें। बस इस पेस्ट को बाल में लगभग आधा घंटा लगाकर रखें और फिर धो लें। आपके बाल घने हो जाएंगे और खूबसूरत दिखेंगे। दोस्तों, कोई भी मास्क लगाएं, उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से आप
वॉश कीजिए। तो दोस्तों ये तो थे कुछ नुस्खे और हमारे किचन इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।